हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेक्टिफायर। अच्छा, उससे पहले का सब कुछ पढ़ लिया? बिल्कुल। सेमीकंडक्टर्स पढ़ लिया, पीएन जंक्शन पढ़ लिया, बायसिंग पढ़ ली, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, डिप्लीशन लेयर वगैरह सारा पढ़ लिया। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रेक्टिफायर। सबसे पहली बात, रेक्टिफायर होता क्या है, किसे कहते हैं रेक्टिफायर? नाम से क्लियर करो, रेक्टिफाई करना, किसी चीज का सॉल्यूशन देना, किसी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मीन जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन को यूनि डायरेक्शन बना देना। तो मीन ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। खेल खत्म। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करेंट इंटू डायरेक्ट करंट, उसको क्या बोलोगे आप? रेक्टिफायर बोलोगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर की आपको डेफिनेशन एक बार में समझ में आ गई कि एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। अब जो हमारे पास पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन डायोड, ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों तरीके से बिहेव करता है। पेपर में बेटा दोनों आ सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अच्छा, तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड को, वैसे तो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है, पढ़ा हुआ है आपने, ये इसका पी होता है, ये एन होता है। थोड़ी सी मैं बायसिंग का रिविजन करा दूं, अगर बायसिंग में बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप से और बैटरी का निगेटिव एन टाइप से कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और अगर बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप से, मीन बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप से और बैटरी का नेगेटिव पी टाइप से कनेक्टेड होता है, रिवर्स बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? कंडक्ट करता है, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता। इतना आपको याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन के तरीके बिहेव होगा और रिवर्स बायसिंग में वो स्विच ऑफ की तरीके बिहेव होगा। अच्छा, तो रेक्टिफायर आपको समझ में आया क्या होता है? क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ कि एसी की हाफ साइकिल को ये डीसी में कन्वर्ट करेगा और हाफ को नहीं करेगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई वर्किंग नहीं, सब एकदम एक कॉन्सेप्ट है, समझो। तो सबसे पहले इसकी हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन है क्या इसकी। अगर मैं कंस्ट्रक्शन समझने जाता हूँ तो होता क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ये देखो, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसकी दो कॉइल्स होंगी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, ये कैसे पता कि स्टेप डाउन है? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेते हैं जिसकी सेकेंडरी कॉइल्स S1 S2 से हम एक पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कनेक्ट कर दिया पीएन जंक्शन डायोड के, पी ए हो गया, पी रीजन ही हो गया, एन रीजन। इसको हमने लोड रेजिस्टेंस, जिसको आप कहोगे आउटपुट, आर एल, ये आउटपुट देगा, इससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। जिस एसी मेंस को डीसी में कन्वर्ट करना होता है उसको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स के बीच में लगा दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर लेना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया जाएगा जिसकी प्राइमरी कॉइल्स के साथ एसी मेंस को कनेक्ट करोगे, सेकेंडरी कॉइल S1 S2 में S1 के साथ पी टाइप कनेक्ट होगा, S2 के साथ N टाइप कनेक्ट होगा वाया लोड रेजिस्टेंस। अब ये लोड रेजिस्टेंस क्या है,
लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, आपको इतना समझना है, यहाँ से मिलेगा हमें आउटपुट, क्या मिलेगा आउटपुट। अच्छा अब मैं इसी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वर्किंग पे आता हूँ। मान लो वर्किंग हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हमारे पास इनपुट होगा एसी का, तो अगर ये एसी का इनपुट होगा तो एसी इस तरीके से चलती है जू टाइम के साथ, है ना, इनपुट एसी है। अब हमें आउटपुट जो डीसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो आपको समझना है। मैं पहले फॉर्मेशन दे दूं, ये इस तरीके से आउटपुट डीसी मिलेगी, वो किस तरीके से मिलेगी वो समझेंगे हम। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया, उसकी प्राइमरी कॉइल्स के साथ एसी मेंस को कनेक्ट किया, सेकेंडरी कॉइल में एस वन के साथ पी टाइप कनेक्ट किया, S2 के साथ N टाइप कनेक्ट किया वाया लोड रेजिस्टेंस R। वर्किंग समझो, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC, फर्स्ट हाफ में ऐसा कंसीडर करो कि S1 प्लस पे है, S2 माइनस पे है। ऐसा कंसीडर किया हमने कि S1 कहां पे है, प्लस पे है, और S2 माइनस पे है। तो अब ये डायोड की बायसिंग कौन सी हो गई, अगर P वाला प्लस से कनेक्ट हुआ, N वाला माइनस से कनेक्ट हुआ, तो डायोड की बायसिंग कौन सी हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी को, पूरी की पूरी एसी को कंडक्ट कर देगा, ठीक। अच्छा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल, देखो एसी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस बार क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब एस वन कैसे आ गया, माइनस पे, S2 कैसे आ गया, प्लस पे। जब S1 माइनस पे आ गया तो P टाइप किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, N टाइप किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। तो जंक्शन डायोड कैसा आ गया, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर प्रोसेस हमने रिपीट करी, थर्ड हाफ में देखा फिर पॉलिटी रिवर्स हुई, अब S1 फिर पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, फिर P टाइप पॉजिटिव से, तो डायोड कैसे आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में। प्रोसेस रिपीट करते हैं, हम देखते हैं कि ये फर्स्ट हाफ साइकिल जितनी भी है, आधी साइकिल एसी की रेक्टिफाई हो रही है और आधी साइकिल रेक्टिफाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरीके बिहेव करता है, एसी की हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, हाफ को नहीं करता। बात क्लियर हो गई, अगर एग्जाम में आता है तो तीनों डायग्राम जरूर बनेंगे। और थ्योरी जो मैंने बोली, कंस्ट्रक्शन में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया जिसकी प्राइमरी कॉइल से एसी मेंस कनेक्ट किया, सेकेंडरी कॉइल S1 S2 के बीच में पीएन जंक्शन जिसका S1 से पी टाइप, S2 से एन टाइप वाया लोड रेजिस्टेंस। वर्किंग में इट इज कंसीडर्ड दैट फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, S1 इज एट पॉजिटिव टर्मिनल, S2 इज एट नेगेटिव टर्मिनल, सो द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायसिंग, फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी विल बी रेक्टिफाइड। इन द सेकेंड हाफ साइकिल पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, नाउ S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव, the diode will be reverse biased, so this half will not be rectified by the junction diode. Process repeated, we see that half cycle of AC is rectified and half is not. Hence, a single PN junction diode behaves as a half wave rectifier. Clear beta? Itna kar gaya ho, exam ke liye bahut hi important hai. Okay, thank you.